आशी दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा जो कि विष्णु धर्म पुराण नामक ग्रंथ से दी गई है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवंती राजेंद्र महापात कटो ककटोयः। हे राजेंद्र, ये शब्द कृष्ण इतना मंगलमय है कि जो भी इस नाम का उच्चारण करता है वह जन जन्मांतर के कोटि कोटि पापों के फल से तत्काल मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण नाम ये मंगलता लेकर के आते जीवन के अंदर। मंगलता भला कैसे आती है, अमंगलता भला कैसे आती है? अमंगलता आती है बुरे कर्मों की वजह से, हमारे कर्मों के फल है, या प्रकृति के जो लोअर मोड्स हैं उनकी वजह से अमंगलता आती है, बुरी संगति की वजह से अमंगलता आती है, इन सारे कारणों को नष्ट कर देता है। तो अमंगलता में एक तो आता है सांसारिक दुख, अमंगल है कि नहीं है? अच्छा, सांसारिक सुख तो वो तो मंगल है, वो भी अमंगल है। तो पहले दुख के कारण काटता है भगवान श्री कृष्ण का नाम, और दुख के कारण करते तो फिर बहुत बढ़िया, क्लेश अग्नि क्लेश करते हैं हमारे, वेरी गुड। फिर शुभदा भी आती है साथ में, शुभदा का मतलब है इवन सांसारिक सुख जो है ना उनसे भी, उनको जो तृष्णा है उसको भी खत्म करता है भगवान श्री कृष्ण का नाम। बल्कि अमंगलता है जो असत्संग से आती है। आप कृष्ण का नाम अच्छे से लीजिए मॉर्निंग में, और आप ऑफिस में जाइए वहां पर मान लो बुरी संगति भी है, बुरी संगति ना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ऐसा होता है। और जिस दिन आप नाम में सो जाओ ऐसे करके आप जपा कर लो, और उस आदमी को उस दिन ना सारा संसार मान लो खा जाएगा, आपको चुगली करने का मन करेगा, थोड़ा उल्टी सीधी बातें सुनने का मन करेगा, और बता और बता फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, ये सब करने का मन करेगा, ऐसा होता है। तो इसीलिए अमंगलता को काटता है, चाहे वो बुरे कर्मों से हो, संसारिक संगति से हो, और इवन संसारिक सुख जो कि अल्टीमेटली वही अमंगली लेकर के आते हैं, क्योंकि वो संसार के प्रति हमें और एडिक्टेड बनाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का नाम हमें इन सारी अमंगलताओं से बचा करके कृष्ण भक्ति का जो मंगलता है वो हमें प्रदान करता है। कृष्ण नाम की जाय, हरे कृष्ण महामंत्र की जाय, श्री प्रभुपाद की जाय। हम सब वैष्णव भक्ति चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जाय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।